अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में ये कंसेप्ट बहुत आम है कि मंगवाएं कुछ और आता कुछ है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ आज अपनी सारी जो है वो शेयर करती हूँ कि मैंने आपको बताऊं कि जब भी मैंने कोई चीज़ मंगवाई है तो मेरे साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हुआ है। हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई जाती हैं ऑनलाइन, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कुछ और मंगवाया और हमारे साथ कुछ धोखा हुआ हो, बुरा हुआ हो। और ये अब एक सूट मैंने खाड़ी से लिया था तो उसका कलर हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, तो ये उसके साथ का जो दूसरा ड्रेस है ना, तो ये हमने मंगवाया है दोबारा उनकी वेबसाइट से, तो सेम वही डिज़ाइन आया है जो हमने मंगवाया था, कलर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो सेम वही है और उतने ही पैसों में घर बैठे। चले शिपिंग के तो उन्होंने लिए ना, इसके अलावा जो है उतने ही पैसों में हमें घर बैठे वो डिज़ाइन मर्ज़ी का मिल गया है, तो हमें और क्या चाहिए। जब भी ऑनलाइन दराज से मंगवाइए कोई चीज़ तो कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि हमने रंग कोई और मंगवाया हो तो कोई और आ गया हो, कभी भी धोखा दही हमारे साथ नहीं हुई है। ये खाड़ी की जो आउटलेट है वहाँ से लिया था हमने, और इसी डिज़ाइन में हमें जो कलर और चाहिए था तो यहाँ पे नहीं मिला, तो ये हमने वहाँ से मंगवा लिया था, उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर किया था, और ये हमें बहुत अच्छे से जिस तरह का हमें चाहिए था वैसा हमें घर बैठे मिल गया। तो ये हमारा एक्सपीरियंस जो है वो पहले की तरह हस्बे उम्मीद जो है बहुत अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस जो है ना, बड़ा मज़ा आया मंगवा के। और मैं तो कह रही थी आइंदा भी सेल लगी ना तो घर बैठे ही मंगवाया करूँगी, तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारी फ्रेंचाइज़ पे ना इधर इतने ज़्यादा प्रिंट नहीं होते हैं जितने वेबसाइट पे होते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बड़े हम खुश हुए हैं इसे वसूल करके, और बहुत मज़ा आया। और कुछ चीज़ें दराज से मंगवाई थी तो उनमें जो है फजर पेंटिंग करती है तो वो कैनवास मंगवाती रहती है, तो वो जो भी जिस साइज़ के मंगवाती है उसी साइज़ के मिलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि साइज़ कोई और मंगवाया हो तो कोई और आ गया हो। तो ये अपने कैनवास लेके बहुत ज़्यादा खुश हुई है। तो कह रही थी छुट्टियां हैं तो छुट्टियां इन्जॉय करनी है, पेंटिंग बनानी है। तो ऐसा होता है ना कि सम टाइम हमारे साथ कुछ गलत हो भी जाता है, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था कि दराज से हमने एक फाउंडेशन मंगवाई थी तो वो जो कलर है ना वो सेम नहीं आया था, कोई और आ गया था, तो बस इसके अलावा कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो ये फ्रीहा ने उनकी दराज से ही देखी थी कुछ चीज़ें, इसने ना क्रीम है, एक जेल क्रीम है चावल की बनी हुई, और एक सीरम है वो मंगवाया, और इसमें कुछ शायद और भी हो, देखते हैं अब क्या है। तो ये चीज़ें ना यूज़ नहीं की थी, बस इनके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो उसने कुछ ऐसा मंगवाना था जो कहती है कि स्किन के लिए अच्छा हो। तो ये चावल का बना हुआ है मेरे ख्याल में, सारा क्रीम है, अब नाइट क्रीम है या डे क्रीम है तो वो पता चलता है जब ये खुलती है, और साथ में ये एक सीरम है, और ये कुछ ना शीट मास्क हैं। हाँ जी ये सीरम है, ये बहुत ही अच्छा है। चावल तो वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, वाइटनेस के लिए भी है और इसके अलावा जो बाकी चेहरे के मसाइल हैं उनके लिए भी है। तो ये जेल क्रीम है मेरे ख्याल में, हाँ जी ये जेल क्रीम है, ये पता नहीं चाइनीज़ लिखी है जापनीज़ लिखी है, उर्दू इन्होंने लिखी नहीं है ऊपर, उर्दू लिखी होती तो हम भी पढ़ लेते कि इस पर क्या लिखा है। और ये शीट्स हैं तो इसके ना रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो ये फ्रीहा ने अपने लिए मंगवाए हैं। तो चावल तो वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रैकल्स के लिए और स्किन की जो डलनेस है उसके लिए भी होते हैं अच्छे, तो इनका इस्तेमाल तो वैसे भी बहुत अच्छा है, और जब ये इसी सूरत में मिल रहे हों तो ये और ज़्यादा चेहरे को फ़ायदा देंगे। तो ये है कि ऑनलाइन घर बैठे हमें उतने ही पैसों में चीज़ मिल जाती है, मार्केट में हवार हों तो हमें मतलूबा चीज़ कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि मेरे पास ना ट्राईपोर्ट नहीं था, तो मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत मसला होता था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ना वो अपने ट्राईपोर्ट की है, तो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बना रही थी बाज़ार जाऊँगी लेके आऊँगी, लेकिन मेरा जाना ही नहीं बन रहा था, तो अब मुझे घर बैठे जो है वो मिल गया है और फिर मैं इसे यूज़ करूँगी और मज़ीद बताऊँगी। फ़िलहाल तो ये बहुत अच्छा है, तो ये है मैं सबकी ये मोहताजी ख़त्म हुई है। कभी मैं फ़रियाल को बुला रही होती थी कभी फ़जर को कि आके मेरी हेल्प करवाओ, अगर कोई है तो मेरी हेल्प करवा दे, तो सब अपने काम छोड़ के तो बड़े बेजार हो के आते थे, तो अब ये है कि मैं खुद ही बना लिया करूँगी। ये जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, जैसा मुझे पता चला था इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो अब मैं इस पर बनाऊँगी और मज़ीद पता चलेगा कि ये कैसा है।
तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है ना, तो पहले मैंने सोचा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो फिर मैं खरीदूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत मसला होता है, तो अब मुझे मंगवा लेना चाहिए। तो शुक्र है मुझे मिल गया और मुझे बहुत खुशी है इसकी। तो सबको अपनी अपनी चीज़ों की खुशी थी, फ़रियाल को अपने ड्रेस की थी, फ़रीहा ने अपनी जो चीज़ें मंगवाई हैं फ़जर के अपने थे, और मुझे जो है ना वो अपने ट्राईपोड की थी। अब मैं इसके साथ वीडियो इजीली बना सकूंगी और मुझे किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी को आवाज़ देनी नहीं पड़ेगी, और मैं बहुत अच्छे से जो है ना वो अपना काम कर लिया करूंगी। बस जो हमें चाहिए वो मिल जाता है घर बैठे, और ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना मैं तो कहती हूँ बहुत बेस्ट है। और ये एक सीरम मैंने देखा था टिकटॉक पे, तो वैसे तो कोई बंदा कहे अगर किसी ने इस्तेमाल किया है चीज़ तो वो आप उसके अगर वो अच्छा फीडबैक दे तो उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसमें हर्ज नहीं होता है। लेकिन ये एक डॉक्टर थी तो वो रिकमेंड कर रही थी, तो उसके नीचे जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, और जो चेहरे के मसाइल हों उन सब के लिए ये सीरम बता रही थी कि बहुत अच्छा है। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है, तो मैं ये इस्तेमाल करूँगी, अगर ये अच्छा हुआ ना तो फिर मैं आपको बताऊँगी, और फिर आप ज़रूरी से इस्तेमाल करना, और अगर बुरा निकला तो भी बताऊँगी, 100% रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो फिर मैं इसका रिव्यू दूँगी बाद में जिस तरह का भी ये निकलेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।